तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं सैंड डिस्क की एक पेन ड्राइव को, जो कि 32 GB की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 246 रुपये में मेरे को ये पड़ी, ठीक है। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं शॉपी ऐप से। चलिए अब मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। वैसे मैंने इसको फाड़ लिया था पहले, लेकिन मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको दिखाता हूँ किस तरीके की आपको देखने को मिलती है। और मैं आपको बताऊँ, इसको डिलीवरी फ्री भी आप कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि डिलीवरी मांग रहा है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि आप शॉपी ऐप पर कैसे डिलीवरी फ्री करवा सकते हैं, तो वो वीडियो देख लेना और आप अपनी डिलीवरी जो है फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनबॉक्स कर लिया। अनबॉक्स करने के बाद ये आपको कागज़ देखने को मिलता है, गत्ता। इसको निकालते हैं, इसको खोलने के बाद यहाँ पर भी हमको जो है एक यहाँ पर रैपर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ 32 GB और नीचे लिखा हुआ सैंड डिस्क। तो यहाँ पे जो है ये USB 2.0 के साथ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्पीड तो इसके बाद में हम चेक कर ही लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसको आपको फाड़ना है तो आप बैक से इसको फाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है, कितने GB की क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फाड़ लेता हूँ। तो आप साइड से इसको चक्कू से काट के इस तरीके से ऊपर से जहाँ पे आपको कटिंग का साइन देखने को मिल रहा है, तो इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। और खोलने के बाद आपकी जो है ये निकल जाएगी, पिन्नी निकाल लेनी है। और निकालने के बाद यहाँ से आपको जो है इसको पेन ड्राइव को निकाल लेना है। तो भाई इस तरीके की आपको ये पेन ड्राइव देखने को मिल जाती है, जो ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। यदि आप इसको लगाएंगे कंप्यूटर वगैरह में और करंट वगैरह आपका फ़ोन कंप्यूटर मारता है, तो यहाँ पे करंट आपको नहीं लगने वाला। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका मॉडल। इसका मॉडल है क्रजर ब्लेड 32 GB, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करना चाहे तो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कंप्यूटर में इसको लगा के आपको इसकी स्पीड चेक करके दिखा देता हूँ, और इसको दिखा देता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमको शो हो चुका है 28.6 GB, यहाँ पे हमको शो हो रहा है। वैसे स्पेस इतना ही होता है 32 GB की मेमोरी कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कोई फाइल आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई फाइल सेंड कर लेता हूँ। तो इसको फाइल को सेंड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई कितना जो है, या फोल्डर क्रिएट करने के बाद कितनी जो है स्पीड से यहाँ पे फाइल सेंड होती है। तो भाई होम पे हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये वाली फाइल है, इसकी यदि मैं प्रॉपर्टीज आपको निकाल के दिखाऊं तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं 3 GB से ज़्यादा का साइज़ है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ अपने जो है इसमें, जो हमारा पेन ड्राइव है इसमें। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड कितनी आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी 25 की है, 20 तक की, मतलब 20 तक की स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वैसे ही माइनस हो जाती है थोड़ी देर में, स्टार्टिंग में तो अच्छी आ रही थी। ये यहाँ पे जिप फाइल है, ठीक है। और जिप फाइल की स्पीड आप यहाँ पे देख ली कितनी स्पीड आपको देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है हाँ भाई इतने रुपए में ये सही है स्पीड। अब बात कर लेते हैं दूसरे वीडियो के बारे में कि वीडियो की स्पीड कितनी आती है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो लगभग इतने ही साइज़ की मैंने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिया। इनको भी मैं सेंड कर देता हूँ अपने जो है पेन ड्राइव में, सीधे डायरेक्टली यहीं से सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही है। तो लगभग यहाँ पे वही स्पीड आ रही जो हमको पहले देखने को मिल रही थी। यहाँ पे उस स्पीड में और इस स्पीड में, यानी फाइल ट्रांसफ़र करने में कोई भी जो है हमको इतने स्पीड का अंतर देखने को नहीं मिलता। बाकी स्पीड इसकी सही है जितने रुपए की है। तो भाई ये तो हमने फाइल सेंड कर ली। अब फाइल को हम कंप्यूटर में यदि वापस लेते हैं तो कितनी स्पीड निकालती है ये हमारा जो पेन ड्राइव है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 GB की फाइल है। मैं इनके क्या करता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हम मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर में इसको पेस्ट करता हूँ, जब देखते हैं कितनी स्पीड हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पे स्पीड देखने को मिलती है। तो आप मुझे बताइए आपकी स्पीड इस प्राइस में ये स्पीड अच्छी है या नहीं है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई ये स्पीड है जो भी मैंने आपको यहाँ पर चेक करके दिखा दिया। और भाई यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना और या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, बाय।